छात्र संगठन AIDSO के द्वारा साझी शहादत साझी विरासत यादगार सप्ताह के अंतर्गत काकोरी घटना के अमर शहीद रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह को याद करते हुए पीजी कॉलेज में पुष्पांजलि कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम के प्रारंभ में तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा गीत की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए छात्र संगठन AIDSO के कॉलेज इकाई कार्यवाले सचिव अमरीक संधू ने बताया कि आजादी आंदोलन के दौरान जब सांप्रदायिकता की आड़ में अंग्रेज हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाकर अपने मंसूबे पार करते थे, ऐसे में अशफाक बिस्मिल की दोस्ती की मिसाल सामने आई। आज वर्तमान समय में जिस तरह धर्म जाति के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है उसके खिलाफ हमें लड़ना होगा। कहीं ना कहीं जो सपना क्रांतिकारियों ने देखा था जो सुंदर भारत को बनाने के लिए अशफाक बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर झूल गए थे, आज शहीदों का वो देश नजर नहीं आता। समाज में 2 साल की बच्ची से लेकर बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाएं हो रही है। अन्नदाता कहलाने वाले किसान भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। भारत के कुछ लोग ऐसे हैं जो दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति बन रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो 2 जून की रोटी के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में हम सबको संघर्ष करने की जरूरत है, तभी हम इन शहीद क्रांतिकारियों को सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। कार्यक्रम का संचालन कॉलेज इकाई कार्यकारिणी सदस्य सरनाम मीणा ने किया। कार्यक्रम के दौरान सभी छात्रों व शिक्षकों ने पुष्प अर्पित कर काकोरी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज छात्र संगठन ऑल इंडिया DSO की कॉलेज इकाई के द्वारा कॉलेज परिसर में आज़ादी आंदोलन के महान क्रांतिकारी व काकोरी घटना के अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां, रामप्रसाद बिस्मिल की 95वें शहादत दिवस के उपलक्ष्य में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम व परिचर्चा छात्रों के बीच में आयोजित की गई। हम जानते हैं कि आज़ादी आंदोलन के दौरान जब अंग्रेज हुकूमत के द्वारा आज़ादी आंदोलन के क्रांतिकारियों को जनता को फूट डाल करके शासन करने की नीति अपनाई गई थी, लोगों को सांप्रदायिकता के आधार पर बांटने का प्रयास किया गया था, तब रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां की दोस्ती एक एकता की मिसाल बनी थी। उसी एकता की मिसाल ने लोगों को आज़ादी आंदोलन में एकजुट करने का प्रयास किया था। ऐसे ही आज के समय में ये प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। आज जहाँ तमाम सरकारें जहाँ धर्मांधता की बाढ़ ला रही हैं, लोगों को सांप्रदायिकता का माहौल बनाने का प्रयास समाज में कर रही है, ऐसे में जो जनता की मूलभूत समस्याएं हैं, शिक्षा है, बेरोजगारी है, इन तमाम समस्याओं के खिलाफ में आज लोगों को एकजुट होने की आवश्यकता है। अगर लोग इनको पढ़ेंगे, इनकी दोस्ती को जानेंगे, तभी इस संघर्ष में वो आ पाएंगे। इसी मकसद के साथ में आज छात्रों के बीच में एक कार्यक्रम किया गया और छात्र संगठन AIDSO पूरे जिले भर में भी इन कार्यक्रमों को कर रहा है और समाज के अंदर एक बेहतर माहौल बनाने का प्रयास लगातार करता है। मेरा नाम देवेंद्र सेन, सचिव कॉलेज का AIDSO।